Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज मैं आपको PDF बनाना सिखाऊंगा. AutoCAD पे PDF कैसे बनाया जाता है. सबसे पहले मैंने एक सर्कल सिलेक्ट किया. कोई भी शेप मैंने बनाई, मैं अपनी तरफ से सर्कल बना रहा हूँ. सर्कल बनाया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सर्कल का PDF बनाना चाहता हूँ. तो PDF की शॉर्ट कमांड होती है CTRL Ctrl + P. मैंने CTRL + P इंटर किया तो मेरे पास एक नई विंडो खुल गई. इसमें मैं नाम सिलेक्ट करूँगा माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि मैं यहाँ से लेटर जो मैं पेपर साइज़ सिलेक्ट करूँगा वो मैं A4 सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि A4 का साइज़ आसानी से प्रिंट हम निकाल सकते हैं इसका. फिर डिस्प्ले, क्योंकि मैं विंडो पे काम कर रहा हूँ इसलिए मैं विंडो का डिस्प्ले सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर. फिर मुझसे पूछते हैं अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो जिसका आपने PDF निकालना है. फिर मैं अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ. जब मैंने अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं इसको प्रीव्यू भी कर सकता हूँ यहाँ से कि मेरा ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है. ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट जो कि मैंने PDF बना चुका हूँ इसका. फिर उसको ओके कर दो. ओके करने के बाद यहाँ पे सेव कर लो. अब मेरा बाय डिफ़ॉल्ट D है तो मेरा D में सेव हो रहा है. एंटर. फिर आखिर में आपको बताता है कि कोई एरर नहीं आया, सिंपली आपका PDF बन चुका है. चेक करते हैं कि हमारा PDF बना कि नहीं बना. लोकल डिस्क D में गए. ये रहा, ये देखें, ये हमारा PDF यहाँ पे बन चुका है.